झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लेस। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। चना खरीद के लिए सरकारी केंद्र बंद हैं। उसके बाद 15 दिनों के भीतर धान खरीद केंद्र को बंद कर दिया गया। नेफेड की ओर से कहा गया है कि खरीद का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जबकि किसानों का कहना कि इस बार रबी सीजन में चना और धान दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसलिए प्रशासन को खरीद सीमा बढ़ानी चाहिए। अब किसान अपनी उपज को खुले बाजार में कम दाम पर बेचने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं ज्वार पैदा करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में दिक्कत आ रही है। दरअसल नागपुर जिले के किसानों का कहना है कि ज्वार उन्होंने 1.5 महीने पहले बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन ज्वार खरीद केंद्र शुरू नहीं हुए हैं। किसानों का कहना है कि वह ज्वार बेचकर खरीफ सीजन की फसलों की खेती के खर्च का इंतजाम करते हैं, लेकिन इस बार नेफेड ने अभी तक खरीद केंद्र शुरू नहीं किया है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वे ज्वार की खेती राज्य के औरंगाबाद, नासिक, जलगांव, खानदेश, बुंडांचा, यवतमाल, धुले और नंदूरबार जिले में की जाती है। इन जिलों में नेफेड से गारंटी के साथ खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पंजीकरण की अवधि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की थी। किसानों का कहना है कि पंजीकरण के बावजूद उपार्जन केंद्र खुलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, इससे किसान में आक्रोश बना हुआ है। वहीं किसान कह रहे हैं कि प्रदेश में हर साल जून में खरीद शुरू हो जाती है। पिछले सीजन में खरीदारी 1 जून से शुरू हो गई थी। इस साल इतनी देरी हो रही है कि किसानों में डर है कि कहीं उनकी हालत धान और चने उत्पादकों की तरह ना हो जाए, क्योंकि इस साल धान खरीद केंद्र देरी से शुरू हुआ और महज 15 दिनों में बंद हो गया। ज्वार की बिक्री को लेकर किसानों में भी चिंता है। वहीं मार्केटिंग फेडरेशन ने अधिकारियों के मुताबिक इस साल राज्य के 15,000 से ज़्यादा किसानों ने ज्वार की बिक्री के लिए नेफेड में रजिस्ट्रेशन कराया है। ज्वार को नेफेड से 2738 रुपए की गारंटी कीमत पर खरीदा जाना था। यही कारण है कि बाजार में ज्वार की कीमत बढ़ गई। व्यापारियों ने शुरू में 2000 रुपए में ज्वार खरीदा, लेकिन अब किसानों का आरोप है कि नेफेड से गारंटी नहीं है उन्हें और खरीद केंद्र नहीं खुलने के कारण व्यापारियों ने दरें कम कर दी हैं। बाजार में ज्वार का भाव 2000 रुपए से घटकर 1420 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वर्तमान में औरंगाबाद में ज्वार 1500 रुपए प्रति क्विंटल, हालांकि अभी कुछ जिलों को इसकी सही कीमत मिल रही है, लेकिन किसानों को चिंता है कि अगर जल्द ही उपार्जन केंद्र नहीं खोले गए तो किसानों को बहुत कम दाम पर ज्वार बेचना पड़ेगा। नेफेड को ज्वार बेचकर किसान खरीफ सीजन के लिए बीज और खाद खरीदते हैं, लेकिन खरीद को लेकर अनिश्चितता ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोने में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। आज सराफा बाजार में सोना 161 रुपए सस्ता होकर 50,994 रुपए पर आ गया।